तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले सवाल को देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल यू, पोटेंशियल एनर्जी एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर तुम देखो कि पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के ग्राफ देखा जाए, तो जो जो कहता है कि फोर्स एक्टिंग जीरो कहाँ होगा, देखो अगर यू और एक्स का ग्राफ देखोगे तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एक्स। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से, इसका जो स्लोप होगा थीटा, टेन थीटा, वो डी ओवर डी एक्स है। तो अगर फोर्स अगर जीरो होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ओवर डी एक्स जीरो होगा, मतलब टेन थीटा की वैल्यू जीरो होगी। मतलब जहाँ पे स्लोप जीरो होगा, स्लोप अगर जीरो होगा वहाँ पे फोर्स जीरो होगी, ठीक है। तो स्लोप कहाँ जीरो है यार, देखो जो बी पॉइंट है, ए पॉइंट का, सो ए से बी तक तो स्लोप पॉजिटिव है यार। स्लोप कैसे देखते हैं, ठीक है ना, टेंजेंट बना देते हैं ना यहाँ यार, आई होप कि सबको आता होगा। यहाँ पे टेंजेंट बना दोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ए से बी तक स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन एग्जैक्ट बी पे कितना है, व्हाट इज द वैल्यू एग्जैक्ट बी पे। टेंजेंट बनाओगे सीधा आएगा, जो कि थीटा इज इक्वल टू जीरो है। तो जब एग्जैक्ट बी पॉइंट पे जो फोर्स है वो जीरो है, क्योंकि स्लोप उसी तरह से एग्जैक्ट जो सी है वो स्लोप ऐसे आएगा, थीटा जीरो है, तो टेन थीटा जीरो चला गया, और जो टेन थीटा जीरो है तो फोर्स जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी और सी है उस पे फोर्स जीरो लग रहा है, और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो सी ऑप्शन ऑप्शन मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।